आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि चाइना बोर्ड के 8 जमा 2 बोर्ड के वेयरिंग कैसे करते हैं। तो चलो हम लोग वेयरिंग करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले जिसने हम लोगों का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी दे दें कि उसमें उसके घर में वेयरिंग किस चीज़ का मसला है वो भी हम लोगों से शेयर करेगा। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका फिर बताऊँगा कि इसको कैसे करें। ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो इस पे हम लोगों के पास मौजूद है कितने, 1 2 तो इसके साथ हम लोग के पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर हम लोग के पास 8 दाने तार मौजूद है जो इसमें से एक जो है हम लोग के पास न्यूट्रल यानी ठंडा है और दूसरा हम लोग के पास गर्म है और बाकी जो है ना वो फैन का भी है और बल्ब का पॉइंट भी है। तो हम सबसे पहले बल्ब के लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको इसमें कर देते हैं। ये कॉमन कॉम लगाते हैं जो ये बटन पर हो जाए। ये एक हो गया, ये फिर हम लोग के पास दूसरा हो गया, ये दूसरा भी देखो इसको हम लोगों ने बटन में लगा दिया। अभी इसको भी हम लोग बटन में लगाएंगे इस वाले तार को। मैं इसका स्क्रू खोल दो एक बार। अभी हम लोग के पास जो ये बचा हुआ है ये फैन का है, ये हम लोग के पास फैन का है तो फैन का हम लोग डिमर में लगाएंगे। किस चीज़ में? डिमर में। ये देखो ये वाला डिमर में, इसमें लगाने के बाद इसको हम लोग सलेक्शन टेप देंगे। फिर यहाँ पर जो हम लोग के पास ये ब्लैक मौजूद है ये ठंडा है। आप लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में इसका वायर का नाम क्यों नहीं लेता है, कि इसलिए मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है जिसने स्कूल नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसका वो इंग्लिश का नाम ही लेता हूँ। मैं इसको उर्दू में बोलता हूँ इस वजह से। तो इसको हम लोग इस सॉकेट में डाल देते हैं। इसको तो हम लोगों ने इस न्यूट्रल को किस चीज़ में लगाएंगे? सॉकेट। अभी एक और भी कोमा था हम लोग के पास जो बटन में आता है, ये अभी 7वां है और इसके बाद आखिरी है। इसको भी हम लोग बटन में लगाएंगे क्योंकि ये भी बल्ब का है, किसी बल्ब का होगा। अभी जो ये आखिरी वाला तार बचा है ये गर्म है जो हम लोग ये जो सारा वायरिंग गया हुआ है इसमें, ये देखो इस सारा गया हुआ है इसी के इस ऊपर वाली जगह में हम लोग लगाएंगे। अभी इसने सारे वायरों को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे कि ये क्या इधर कैसा दिखता है, कैसा इसका शो आ रहा है। अभी यहाँ पर देखो मैंने वेयरिंग किया हुआ है, सारा लाइटें वगैरह लगाया हुआ है। ये जो मेरा फ्रेंड है आपको दिखाई नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें इसको दिखा दो। पहले कुछ सारा वेयरिंग मैंने किया हुआ है वहाँ तक। ये इस बोर्ड का है। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ब्रेकर्स का वेयरिंग भी आप लोगों को बताऊँगा कि ब्रेकर्स का, ये देखो जो ऊपर जगह बचा हुआ ये ब्रेकर की जगह है, क्या पर हम लोग ब्रेकर को कैसे लगा सकते हैं। 3 ब्रेकर सिंगल है और 1 ब्रेकर जो है ना वो डबल है। तो अगर आप लोगों में भी घर में वेयरिंग का कोई मसला हो तो मुझे बता दो, इंशाल्लाह मैं आपको सारा मुश्किल इंशाल्लाह हल कर दूंगा। अगर वेयरिंग में हो, प्लम्बिंग में हो, पानी की हर चीज़ में मसला हो तो आप इंशाल्लाह मुझे बता दो, मैं आपके लिए हेल्प के लिए मौजूद हूँ इंशाल्लाह। अभी आप लोग देखो हम लोगों ने बोर्ड को लगा दिया है। बस अभी जब हम लोगों ने ब्रेकर का फिटिंग कर लिया फिर इसका वायर्स में मेन वायर्स कनेक्ट कर दूंगा, फिर बल्ब को भी जलाएंगे क्योंकि
वो किस तरह होंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, किस तरह इसी तरह टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आप लोग को बताना ये भी चाहता हूँ, स्कूल भी पढ़िए और स्कूल के साथ साथ हुनर भी सीखिए, क्योंकि हुनर बहुत मैंने बहुत कम उम्र में मैंने हुनर सीखा है और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी के हाथ का मोहताज नहीं कि वो मुझे कुछ दे दिया। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने हाथ से कमाता हूँ, अपना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। ये जो कपड़े जो चीज़ें मैंने पहने हुए हैं अपने मैंने अबू को नहीं बोला है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी हुनर सीखिए, बस अल्लाह हाफिज़। आगे मैं और भी आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरह टेक्निकल वीडियोस बता दूँगा, ठीक है।